हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर ईवीएस क्लास. स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द रिविजन्स ऑफ द चैप्टर विच विल कम इन योर हाफ ईयरली एग्जाम. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्ट रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सेंस ऑर्गन. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन विच आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. After that, we have discussed what is sense organ. जो sense organs होते हैं उनको sense organs क्यों कहते हैं. After that, we have discussed about first sense organ which is eyes, also known as sense of sight. इसमें हमने पढ़ा था कि जो eyes होती हैं वो कैसे brain तक information पहुँचाती हैं. Working पढ़ा था हमने, working of the eyes पढ़ा था. After that, we have discussed how we can care our eyes. हम लोग अपनी आँखों की care कैसे कर सकते हैं. Now, today we will continue with the same chapter. In previous video, we have studied about eyes. Today, we will study about ears. Ears भी एक हमारा sense organ है, जिसको सेंस ऑफ हियरिंग भी कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ सुनते हैं. तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो ईयर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और हम लोग कैसे केयर कर सकते हैं अपने ईयर्स की. आर ईयर हेल्प अस टू हेयर. जो हमारे ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं हेयर करने में, कोई भी चीज़ सुनने में. Some sounds such as soft music are pleasant to hear. कुछ sound, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो soft होती हैं, जैसे soft music. आपने बहुत तरीके के music सुने होंगे जिसको सुन के आपको सुकून जैसा महसूस होता है, आपके कान नहीं दर्द होते, ठीक है. Are pleasant to hear, वो बहुत सुखद होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सुनने में. अदर साउंड, कुछ और साउंड सच एज नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक. जैसे आपने ट्रैफिक में देखा होगा बहुत नॉइज़ होता है, बहुत शोर होता है. ट्रैफिक है तो कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई विस्लिंग कर रहा है, बहुत साउंड होता है ट्रैफिक में, तो उससे भी हमारे कान हर्ट होते हैं. लाउड म्यूज़िक हर्ट आर ईयर्स. और लाउड म्यूज़िक मतलब अगर बहुत तेज़ म्यूज़िक हम लोग सुनते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि उनको लाउड म्यूज़िक ही पसंद होता है, लेकिन ये लाउड म्यूज़िक जो होता है हमारे कानों के लिए बहुत नुकसानकारी होता है, बहुत हर्ट करता है हमारे ईयर्स को, ठीक है. हमको हमेशा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि लाउड म्यूज़िक ना सुने, सॉफ्ट म्यूज़िक सुने, बहुत शोर शराबे वाली जगह से दूर रहें. Now we will discuss working of the ears. अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे कान हैं वो कैसे काम करते हैं, वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाते हैं. द आउटर ईयर कैचेस द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सेंड देम टू द इनर ईयर. जो हमारे बाहर के कान होते हैं, बाहर की तरफ के जो कान आप यहाँ पिक्चर पे देख सकते हो, ये जो आउटर ईयर है इसी को बाहर का कान बोलते हैं, ठीक है. द आउटर ईयर कैचेस सम साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग. जो बाहर की तरफ का कान होता है वो सराउंडिंग से, हमारे आसपास की जगह से क्या करता है, साउंड कैच करता है एंड सेंड देम टू द इनर कॉर्नर, इनर ईयर. और उसके बाद उसको कहाँ पे भेजता है, इनर ईयर के पास, अंदर एक कान, अंदर का जो हिस्सा होता है कान का वहाँ सेंड करता है. आफ्टर दैट द नर्व्स इन द इनर ईयर सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन. उसके बाद जो अंदर इनर साइड का ईयर होता है वो क्या करता है, उसके जो नर्व्स होते हैं वो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं, मैसेज पहुँचाते हैं. आफ्टर दैट द ब्रेन रीड्स द मैसेजेस एंड इनेबल अस टू हेयर द साउंड. और जो उसके थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो रीड करता है मैसेज, पढ़ता है, और उसके बाद क्या होता है, एनेबल अस टू हेयर द साउंड, जिससे हम साउंड सुन पाते हैं, ठीक है. पहले आउटर ईयर क्या करता है, सराउंडिंग से साउंड कैच करता है, उसको इनर ईयर में भेजता है,
फिर सेकेंड स्टेप में जो इनर ईयर होता है उसके जो नर्व्स होते हैं मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन के पास। आफ्टर दैट जो थर्ड स्टेज होता है उसमें क्या होता है, जो ब्रेन है वो रीड करता है मैसेज और उसके बाद हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, दिस इज द वर्किंग ऑफ ईयर्स। नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स। नेवर इंसर्ट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन योर ईयर, इट डैमेज द ईयर ड्रम। कभी भी हमको अपने कान में कोई भी पॉइंटेड नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज इट डैमेज द ईयर ड्रम। वो हमारे कान का जो पर्दा है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोगों की आदत होती है कि पेंसिल डाल लिया या कोई भी चीज़ उनको मिलती है तो वो सडनली क्या करते हैं, अपने ईयर में डालना शुरू करते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, इससे आपके जो ईयर्स हैं वो हार्म हो सकते हैं, उनको हार्म पहुंच सकता है। इसीलिए हमको कभी भी कोई भी पॉइंटेड चीज़ है उसको अपने ईयर में नहीं डालना चाहिए। नंबर टू, क्लीन योर आउटर ईयर विद अ क्लीन टॉवल। और अगर आपको अपने कानों को साफ करना है, बाहर की तरफ के जो कान होते हैं, अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो उनको साफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक क्लीन टॉवल का यूज़ कर सकते हो। जो तौलिया होता है क्लीन, साफ सुथरा, ठीक है, उसका यूज़ करके आप जो आउटर ईयर हैं उनको क्लीन कर सकते हो। नंबर थ्री, लाउड साउंड डैमेज योर ईयर ड्रम। अभी मैंने बताया था कि हमको लाउड म्यूज़िक से बचना चाहिए, लाउड साउंड से बचना चाहिए, बहुत शोर शराबे वाली जगह से बचना चाहिए। क्यों ऐसा, अगर हम बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं या लाउड साउंड सुन रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारे ईयर ड्रम होते हैं उनको डैमेज होने का खतरा रहता है। नंबर फोर, नेवर हिट पीपल ऑन देयर ईयर। कभी भी किसी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को उसके कान पे हिट नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। इससे भी जो ईयर होते हैं उनको उनके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। सो स्टूडेंट, वी आर डन विद टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस सेंस ऑर्गन। विच सेंस ऑर्गन वी हैव डिस्कस्ड? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेकेंड सेंस ऑर्गन विच इज़ ईयर, ऑल्सो नोन एज सेंस ऑफ हियरिंग। इन दिस वी हैव डिस्कस्ड वर्किंग ऑफ द ईयर एंड हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स। स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड एनी डाउट कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड टूडे, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।